BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस के ओवरब्रिज का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया। हाथरस जनपद की बरसों से चली आ रही चांदी समस्या से जनपद वासियों को मिली निजात। मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से किया गया ओवरब्रिज का लोकार्पण। हमारे आपके के निवासी हैं विधायक ये अपने श्री ब्रज बहादुर जी और हमारे यहाँ के नगर पालिका वीरेन जी, सब लोगों ने लगातार मांग की थी। उस मांग के क्रम में इसको स्वीकृत किया गया और आज यह जनता की सेवा में 2017 के चुनाव में जो शोषित और वंचित लोग थे उनको आशा थी कि वो सरकार बनेगी 2017 में बीजेपी की, और आपने कड़ी मेहनत की, फिर भी है नहीं है आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक तरह से मैं कहूँ या जो इस पुल के बारे में इसका डिटेल में विभाग के लोग कह दूंगा, ये आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन यह अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। 577 मीटर लगभग लंबी है और इसकी लागत लगभग 23 करोड़ 57 लाख रुपए है। और नहीं इसकी पुनः मतलब इसका फिर से वो हुआ था तो महोदय भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ेगी ये बता, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, ये